दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बाद भी इलाके के विधायक सोमनाथ भारती ने सिर्फ झूठे वादे किए, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाल बच्चे सब बीमार हैं, खुद भी बीमार हैं, गंदे पानी। इस दौरान लोगों ने विधायक सोमनाथ भारती पर इलाके में काम नहीं करने का आरोप लगाया। आप हमारे यहाँ से विधायक है ना, मौजूदा है, तो हम अपना अधिकार सिर्फ पानी का मांग रहे हैं। हमें वही MLA या वही नेता चाहिए ना जो काम करे। वहीं गुस्साए लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विकास के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। 4 महीने हो गए इस यहाँ पे ट्यूबवेल बोर के लिए बोला था, अभी तक ट्यूबवेल की कोई बात नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया कि सुबह 4 बजे सिर्फ कुछ देर के लिए पानी आता है और वो भी गंदा, जिसे पीने से लोग बीमार हो रहे हैं।